फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेशन में हमने एक्सरसाइज 10.2 का 1 टू 10 तक का क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज हम 11 एंड इट्स ऑनवर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत आसान वर्कशीट है अगर आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। एक बार मैं आपको दोबारा पहले रिमाइंड कराता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपको मालूम होगा कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनाएगा तो स्लोप का रिलेशन था हमारे पास m इक्वल्स टू टेन थीटा। जब दो पॉइंट्स गिवन होगा तो स्लोप का रिलेशन था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला था आपके पास y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x2 माइनस m इंटू x माइनस x1। और दो लाइन परपेंडिकुलर तभी होगी जब उस दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। दो लाइन पैरेलल तभी होगी जब दोनों के स्लोप आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये था आपका इंटरसेप्ट फ्रॉम एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। ये था आपका स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ओके, तो स्टूडेंट्स, दो लाइन के बीच का एंगल का रिलेशन था आपके पास टेन थीटा इक्वल्स टू एम टू माइनस एम वन अपॉन 1 प्लस एम वन इंटू एम टू। ओवरऑल यही सारी बातें थी हमारी जो प्रीवियस सेशंस में आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से बताया गया था। आज हम एक्सरसाइज 10.2 का 11th टू 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11th क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 11th कह रहा है, ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 0 एंड 2, 3, डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:n, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन समझिए कि अगर कोई लाइन किसी अनदर लाइन को 1:n में डिवाइड कर रही है और वो जो दूसरी वाली लाइन आपकी उसका एंडिंग कोऑर्डिनेट गिवन है 1, 0 एंड 2, 3, तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए बी की इक्वेशंस बताओ। स्टूडेंट्स, दो लाइन परपेंडिकुलर कब होगी, जब उसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इक्वेशंस निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो उस लाइन का स्लोप चाहिए और एक हमें पासिंग थ्रू द पॉइंट चाहिए। अगर ये दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई तो बहुत आसानी से इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप क्या निकालो, सीडी का स्लोप निकालो। तो स्लोप ऑफ सीडी जिसका रिलेशन होता है आपके पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो स्लोप ऑफ सीडी कितना हो जाएगा हमारे पास 3 - 0 और अपॉन 2 - 1। तो स्लोप ऑफ सी डी इक्वल्स टू 3 - 2 - 1 कितना होगा 1, और 1 से 3 में डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 3। एज वी नो ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, तो स्टूडेंट्स स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ सी डी इस दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा -1। ओके, तो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ सी डी कितना आ चुका है 3, डेट इज इक्वल टू -1। तो अगर आप स्लोप ऑफ ए बी निकालोगे तो डेट इज इक्वल टू -1 अपॉन 3। ओके, तो स्टूडेंट्स ए बी की इक्वेशंस निकालने के लिए हमने स्लोप निकाल लिया है। अब हमें चाहिए बी का कोऑर्डिनेट। याद कीजिए कि अगर आपको एंडिंग कोऑर्डिनेट गिवेन हो, इंटरसेप्टिंग रेशियो गिवेन हो, तो पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला ऑफ 10th क्लास। ओके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी कितना हो जाएगा आपका, कोऑर्डिनेट ऑफ बी ये हो जाएगा आपका mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n my2 और प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ओके, तो स्टूडेंट्स m के प्लेस में हमारी वैल्यू कितनी है 1, दिस इज योर m एंड दिस इज योर n, दिस इज x1 y1 and this is x2 and y2, mx2 तो कितना हो जाएगा 1 into x2, x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 और n के प्लेस में हमारी वैल्यू है n, और y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है mx2 प्लस nx1, x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 अपॉन 1 प्लस n, और my2 तो 1 into कितना हो जाएगा 1 into 3 प्लस n इंटू y1 के प्लेस में कितना है 0 अपॉन m प्लस n, डेट इज इक्वल टू 1 प्लस n। तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 2 1 2
प्लस एन अपॉन वन प्लस एन और थ्री, और एन को जीरो से मल्टीप्लाई करो जीरो, तो थ्री प्लस जीरो की वैल्यू ऑलमोस्ट थ्री होगी अपॉन वन प्लस एन। ओके तो स्टूडेंट्स हमने एंडिंग कोऑर्डिनेट भी निकाल लिया, अब हम एबी की इक्वेशंस निकाल सकते हैं। ये पॉइंट हमारा कितना आ चुका है, टू प्लस एन अपॉन वन प्लस एन एंड थ्री अपॉन वन प्लस एन, ये पॉइंट हम निकाल चुके हैं कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो देखो एबी की इक्वेशंस निकालने के लिए एक पॉइंट चाहिए, वो भी निकाल लिया, और स्लोप हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो स्टूडेंट्स इक्वेशंस ऑफ एबी कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ एबी, इक्वेशन ऑफ एबी इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो वाई के प्लेस में कितना होगा वाई, और वाई वन की ये हमारा एक्स वन है और ये हमारा वाई वन है, तो वाई वन के प्लेस में कितना आ जाएगा थ्री अपॉन वन प्लस एन इक्वल्स टू एम के प्लेस में हमारी वैल्यू कितनी है, एम के प्लेस में हमारी वैल्यू कितनी आ चुकी है माइनस वन अपॉन थ्री, माइनस वन अपॉन थ्री एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन के प्लेस में हमारी वैल्यू कितनी है टू प्लस एन अपॉन वन प्लस एन। ओके तो स्टूडेंट्स इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा वन प्लस एन, तो ये कितना हो जाएगा वाई इंटू वन प्लस एन माइनस थ्री इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन थ्री, इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा आपका वन प्लस एन, ये कितना हो जाएगा एक्स इंटू वन प्लस एन माइनस वन से टू प्लस एन को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस टू माइनस एन। ओके तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए वन प्लस एन दोनों साइड इक्वल है ना, तो दिस टर्म कैन बी कैंसिल। ओके थ्री को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका थ्री बाई इंटू वन प्लस एन माइनस थ्री थ्री सा नाइन इक्वल्स टू माइनस को इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स इंटू वन प्लस एन, और माइनस को अगर इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा टू प्लस एन। ओके इस वाले टर्म को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू वन प्लस एन, ये सारा टर्म हम लेफ्ट साइड लेके आ गए पॉजिटिव हो जाएगा, और ये टर्म हमारे पास ऑलरेडी गिवन है क्या प्लस थ्री वाई इंटू वन प्लस एन और माइनस नाइन, इस दोनों टर्म को लेफ्ट साइड लेके आइए तो माइनस टू माइनस एन इक्वल्स टू जीरो, तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू वन प्लस एन प्लस थ्री वाई इंटू वन प्लस एन, और ये कितना हो जाएगा माइनस एन, और माइनस नाइन माइनस ट्वेल्व कितना हो जाएगा माइनस इलेवन इक्वल्स टू जीरो। स्टूडेंट्स दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके पॉज कीजिए नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स ट्वेल्थ क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू टू कॉमा थ्री देन फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक लाइन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और क्वेश्चन में कह रहा है कि जितना उसका एक्स इंटरसेप्ट है उतना ही उसका वाई इंटरसेप्ट है। तो स्टूडेंट सपोज ये वाला पॉइंट हमारा ए कॉमा जीरो है एंड दिस पॉइंट इज जीरो कॉमा बी, तो आपको इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म याद है ना, तो अगर इंटरसेप्ट गिवेन होगा एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन इन टर्म्स ऑफ इंटरसेप्ट, इन टर्म्स ऑफ इंटरसेप्ट इसका रिलेशन था आपके पास क्या एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू वन। ओके तो स्टूडेंट्स आपके पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट गिवन नहीं है निकालना है, बट एक बात क्वेश्चन में गिवन है कि जो एक्स इंटरसेप्ट है वही वाई इंटरसेप्ट है, दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल है, जितना एक्स इंटरसेप्ट है उतना ही आपका वाई इंटरसेप्ट है। और दूसरी बात क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो लाइन आपकी इसकी कहीं ना कहीं टू कॉमा थ्री से पास कर रही है, तो स्टूडेंट्स याद रखना जो एक्स और वाई होता है इसमें वो होता है आपका पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो हम क्या करेंगे इस एक्स के प्लेस में टू पुट अप करेंगे और वाई के प्लेस में थ्री, तो क्या दूसरी बात या तो ए के प्लेस में बी पुट करो या बी के प्लेस में ए पुट करो, आपकी चॉइस है बिकॉज दोनों इंटरसेप्ट क्वेश्चन में इक्वल गिवन है, तो क्या हो जाएगा
x के प्लेस में सपोज आप 2 पुट करते हो तो 2 अपॉन a प्लस 3 अपॉन b के प्लेस में अगर मैं a पुट करता हूं तो a इक्वल्स टू 1, तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, a 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 1, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 अपॉन a इक्वल्स टू 1। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5। ओके, और क्वेश्चन में कह रहा है a इक्वल्स टू b है ना, अगर a इक्वल्स टू b है, अगर a की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू भी कितनी होगी 5 होगी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा आपका, आपकी जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन वो क्या होगी आपकी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। तो x अपॉन a के प्लेस में हमारी वैल्यू कितनी आ चुकी है 5, और y अपॉन b के प्लेस में हमारी वैल्यू कितनी आ चुकी है 5 इक्वल्स टू 1। जब आप इसका एलसीएम लेंगे 5 तो कितना हो जाएगा x प्लस y इक्वल्स टू 1, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा x प्लस y इक्वल टू 5, एंड दैट विल बी द इक्वेशंस ऑफ दैट लाइन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका कुछ इसी प्रकार का है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइन दैट कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट हुज सम इज लाइन। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास कोई लाइन है, आपके पास कोई लाइन है x और y कोऑर्डिनेट एक्सिस, और कोई लाइन है, ये जो इंटरसेप्ट है हमारा सपोज a, 0 एंड दिस इंटरसेप्ट इज 0, b। क्वेश्चन में एक बात गिवन है, इस दोनों इंटरसेप्ट का सम हमारे पास कितना है 9, और ये जो लाइन आपकी ये पास कर रही है 2, 2 से, दो इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है कि ये लाइन 2, 2 से पास कर रही है और इसके जो इंटरसेप्ट है इस दोनों का सम हमारे पास कितना गिवन है 9। ओके, तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन इंटरसेप्ट्स आर गिवन, ये क्या होता है x अपॉन a और प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। ओके, तो स्टूडेंट्स पासिंग थ्रू द पॉइंट का मतलब x और y की वैल्यू तो गिवन है ना आपके पास 2, 2, x की वैल्यू 2 गिवन है और y की वैल्यू 2 गिवन है। और एक बात और बताओ, इक्वेशंस निकालने के लिए हम a और b की वैल्यूज कैसे निकाल पाएंगे जब a और b दोनों इक्वेशंस में कोई एक वेरिएबल होना चाहिए, तो आप क्या करो यहां से b की वैल्यूज निकाल लो या a की वैल्यूज निकाल लो, अगर b की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9 - a। ओके, और ये सारी वैल्यू पुट अप करो इक्वेशंस में, x के प्लेस में 2 अपॉन a और y के प्लेस में 2 अपॉन b के प्लेस में हमारी वैल्यू कितनी है 9 - a इक्वल्स टू 1। ओके, तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा a इनटू 9 - a। ओके, 2 से इसे मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 2 - 18 - 2a, और 2 से a को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 1, प्लस 2a - 2a क्या हो जाएगा कैंसिल, इट बिकम्स 18 अपॉन a को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9a - a² इक्वल्स टू 1। ओके, अपॉन में 1 रखते हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 18 को 1 से मल्टीप्लाई करो 18 इक्वल्स टू 9a - a² को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 9a - a² हो जाएगा। ओके, अब क्या करो इस सारे टर्म को लेफ्ट साइड लेके आओ, तो -a² को लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा +a² प्लस 9a को लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा -9a, और प्लस 18 हमारे पास ऑलरेडी है इक्वल्स टू 0। इसका फैक्टर 6 और 3 6 3 18, और 6 और 3 कितना हो रहा है 9, तो वी कैन राइट इट a² - 3a - 6a और प्लस 18 इक्वल्स टू 0। और अगर आप इसमें से a कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा a - 3, और अगर इन दोनों टर्म में से अगर आप -6 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a। जब भी हम माइनस कॉमन करेंगे तो नेक्स्ट टर्म का साइन क्या हो जाएगा चेंज, 6 3 18 - 3 = 0। ओके, अब इस दोनों में से क्या आ रहा है कॉमन a - 3, तो रिमेनिंग टर्म्स a - 6 = 0। तो एक बार अगर आप a - 3 को 0 के इक्वल रखोगे तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी, और जब a - 6 को 0 के इक्वल रखोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो कहने का मतलब a की हमारे पास दो वैल्यूज है ना, कि अगर a की वैल्यू आप 3 लेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 9 - a, दैट इज 9 - 3 दैट इज इक्वल टू 6। ओके, देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन a
प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू वन, एक्स अपॉन ए के प्लेस पे थ्री, वाई अपॉन बी के प्लेस पे सिक्स इक्वल्स टू वन, और इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, सिक्स थ्री टू सा टू एक्स, सिक्स वन सा वाई इक्वल्स टू वन, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स। बट दूसरी सिचुएशन, जब ए की वैल्यू हमारी सिक्स होगी, अगर ए की वैल्यू सिक्स होगी तो बी की वैल्यू कितनी होगी, नाइन माइनस ए, दैट इज नाइन माइनस सिक्स इक्वल्स टू थ्री। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन ऑफ लाइन ये हो जाएगा आपका एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू वन, एक्स अपॉन ए के प्लेस में सिक्स, वाई अपॉन बी के प्लेस में थ्री इक्वल्स टू वन, इसका एलसीएम कितना रहा, सिक्स ना, तो सिक्स वन सा एक्स और थ्री टू सा तो टू वाई इक्वल्स टू वन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स। ओके, तो स्टूडेंट्स आपके पास दो इक्वेशन पॉसिबल है, या तो टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स होगा या एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स होगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, 14th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 0, 2 मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ 2π/3 का एंगल बना रही है और वो लाइन पास कर रही है आपके से 0, 2 पॉइंट से पास कर रही है। ओके तो क्वेश्चन में कह रहा है, सपोज कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, सपोज ये एंगल हमारे पास गिवन है हाउ मच, 2π/3, और ये लाइन 0, 2 से पास कर रही है, 0, 2 से पास कर रही है। ओके उसके बाद क्वेश्चन में एक बात और गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 units बिलो द ओरिजिन। अगर 2 units बिलो द ओरिजिन आप लोगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, -2। ओके कि उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो इस लाइन के पैरेलल है और वाई एक्सिस को 0, -2 से क्रॉस कर रही है, मतलब पहले इसकी इक्वेशंस निकालेंगे फिर हम इस लाइन की इक्वेशंस निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए हम कैसे निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा की मैंने आपके पास थीटा इक्वल्स टू 2π/3, देखो स्लोप का रिलेशन था हमारे पास m इक्वल्स टू 10 थीटा। ओके तो सबसे पहले मैं इसे क्या कर रहा हूँ, रेडियन में चेंज कर रहा हूँ, तो 2 × π के प्लेस पे कितना होता है 180/3 और 3 के टेबल में 60 पे जा रहा है, तो थीटा हमारा कितना बन रहा है 120 डिग्री। ओके और जो स्लोप का रिलेशन होता है वो क्या होता है आपका 10 थीटा, तो m इक्वल्स टू 10 120 डिग्री। स्टूडेंट्स 10 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 90 से डिवाइड देंगे तो कितना लिखेंगे, 19 × 1 + 30 डिग्री, और 1 का मतलब फंक्शन किसमें चेंज होगा, कॉट में, इट बिकम्स कॉट 30 डिग्री, और जिसकी वैल्यू होती है आपके पास कितनी, √3। ओके और इट इज गोइंग इन टू सेकेंड क्वाड्रेंट एंड द वैल्यू ऑफ 10 फंक्शन इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सो वैल्यू इज नेगेटिव, तो m कितना हो जाएगा आपका, m इक्वल्स टू -√3। तो इक्वेशंस ऑफ, सपोज इस लाइन की इक्वेशंस को मैं ए बी लिख रहा हूँ और जो अनदर लाइन है उसको मैं सी डी लिख रहा हूँ, तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा आपका, जो इक्वेशन ऑफ ए बी होगा आपका, इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ओके तो क्या हो जाएगा, ये हमारा x1 और y1 ऑलरेडी गिवन है, तो y1 के प्लेस में कितना है 2, तो इट बिकम्स y माइनस 2, m के प्लेस में हमारी वैल्यू कितनी आ चुकी है -√3, x माइनस एक्स वन, एक्स वन के प्लेस में हमारी वैल्यू कितनी है 0, तो क्या हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल्स टू -√3 और x माइनस 0 कितना हो जाएगा x। स्टूडेंट्स जब आप इस वैल्यू को लेफ्ट साइड लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, इट इज y, ये कितना हो जाएगा √3x और प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। इसी प्रकार से क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपकी लाइन सी डी है वो ए बी के पैरेलल है, और दो लाइन पैरेलल तभी होगी जब उस दोनों के स्लोप आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जितना सी डी का स्लोप होगा उतना ही ए बी का स्लोप होगा, सी डी का स्लोप कितना हो जाएगा, ए बी का स्लोप हमारा कितना आ चुका है -√3, तो जो स्लोप ऑफ सी डी होगा
ये भी कितना आ जाएगा माइनस रूट थ्री, बिकॉज दो लाइन पैरेलल तभी होगी जब उसके स्लोप आपस में इक्वल होंगे. ओके तो अगर आप इक्वेशन ऑफ सी डी निकालो, इक्वेशन ऑफ सी डी, तो इसका रिलेशन अगेन क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन. तो स्टूडेंट्स दिस इज योर एक्स वन एंड दिस इज योर वाई वन, तो क्या हो जाएगा वाई वाई वन के प्लेस में माइनस टू, एम की वैल्यू माइनस रूट थ्री और एक्स माइनस एक्स वन के प्लेस में आपकी वैल्यू कितनी गिवन है, जीरो गिवन है. तो ये क्या हो जाएगा वाई प्लस टू इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री एक्स. ओके लेफ्ट साइड लेके आओ तो कितना हो जाएगा माइनस रूट थ्री एक्स और प्लस वाई प्लस टू इक्वल्स टू जीरो. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशंस. ओके ओके स्टूडेंट्स 15th क्वेश्चन है हमारा, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मीट्स इट एट दिस पॉइंट माइनस टू कॉमा नाइन, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन. स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस गिवन है एक्स और वाई, कोई लाइन है जो माइनस टू कॉमा नाइन पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर है और इस लाइन को इंटरसेप्ट कर रही है माइनस टू कॉमा नाइन पे, तो बताओ ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होगा, जीरो कॉमा जीरो. सपोज दिस लाइन इज एबी, तो क्वेश्चन में कह रहा है एबी की इक्वेशंस बताओ. तो स्टूडेंट्स एबी की इक्वेशंस कैसे निकालेंगे आप, देखो इक्वेशंस निकालने के लिए हमें एक कोऑर्डिनेट चाहिए और क्या चाहिए, स्लोप चाहिए. तो क्वेश्चन में कह रहा है ओ से इसमें परपेंडिकुलर डाला गया है, सपोज दिस पॉइंट इज पी, तो अगर मैं ओपी का स्लोप निकाल लूं तो ओपी के स्लोप से आसानी से हम किसका स्लोप निकाल लेंगे, एबी का, बिकॉज दोनों लाइन आपस में क्या है परपेंडिकुलर है. ओके तो स्लोप ऑफ ओपी कितना हो जाएगा आपका, दिस पॉइंट इज ओ, तो स्लोप ऑफ ओपी ये क्या हो जाएगा आपका वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. तो सपोज दिस इज एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो कितना हो जाएगा नाइन माइनस जीरो और अपॉन माइनस टू माइनस जीरो डेट इज इक्वल टू माइनस नाइन अपॉन टू. क्वेश्चन में एक बात की गई है कि जो ओपी लाइन है वो परपेंडिकुलर है किस पर, एबी पर. अगर ओपी एबी पे परपेंडिकुलर है तो जो स्लोप ऑफ एबी होगा और जो स्लोप ऑफ एबी और स्लोप ऑफ ओपी इस दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, माइनस वन होगा. ओके और एबी का स्लोप हमें मालूम नहीं है, तो स्लोप ऑफ एबी ओपी का स्लोप कितना आ चुका है माइनस नाइन अपॉन टू डेट इज इक्वल टू माइनस वन. तो स्लोप ऑफ एबी कितना हो जाएगा आपका, टू को इससे मल्टीप्लाई करो माइनस टू माइनस नाइन नीचे आ जाएगा, दिस एंड दिस कैंसिल, दैट इज स्लोप ऑफ एबी इक्वल्स टू टू अपॉन नाइन. ओके तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास स्लोप भी आ चुका है, पॉइंट्स भी गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ ए बी कितना हो जाएगा आपका, इक्वेशन ऑफ ए बी जिसका रिलेशन क्या होता है वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन. ओके दिस इज एक्स वन एंड दिस इज वाई वन, तो क्या हो जाएगा वाई माइनस नाइन, एम की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है टू अपॉन नाइन, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू हमारी माइनस टू है तो क्या हो जाएगा प्लस टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा नाइन वाई माइनस नाइन नाइन सा एटी वन इक्वल्स टू टू एक्स प्लस टू, टू एक्स प्लस टू टू सा फोर. सारी वैल्यूज को अगर इन सारी वैल्यूज को राइट साइड लेके जाओ तो टू एक्स एज इट इज, नाइन वाई को लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस नाइन वाई प्लस फोर, माइनस एटी वन को लेके आएंगे तो कितना होगा प्लस एटी वन इक्वल्स टू जीरो. तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हमारा टू एक्स माइनस नाइन वाई प्लस एटी वन और फोर कितना हो जाएगा एटी फाइव, एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दैट लाइन. ओके ओके स्टूडेंट 16th क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ एल ऑफ अ कॉपर रॉड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट सी. फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शन का मतलब समझिए, इफ एक्स इज लीनियर फंक्शन ऑफ वाई, तो स्टूडेंट्स जो वाई की वैल्यूज होगी वो एक्स के टर्म्स में होगी ना, तो y की वैल्यूज हमारी क्या होती है आपको मालूम है, इसका इक्वेशन क्या होता है आपका y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन इज इन टर्म्स ऑफ x, सो वी कैन से दैट x इज द लीनियर फंक्शन ऑफ y. यहाँ पे जो x है आपका, x इज द लीनियर फंक्शन ऑफ y. ओके तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कह रहा है कि L इज द लीनियर फंक्शन ऑफ सेल्सियस. ध्यान से समझिए,
The length L of a copper rod is a linear function of its Celsius. L is the linear function of Celsius. तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाए आपकी L माइनस L1 इक्वल्स टू M और क्या हो जाएगा C माइनस C1। जब आपका क्वेश्चन में क्या कह रहा है सेल्सियस अगर L का लीनियर फंक्शन होगा तो इसकी इक्वेशन ये हो जाएगी वेयर जो M की वैल्यूज होगी आपकी L माइनस L1 M की वैल्यूज क्या हो जाएगी हमारी L2 माइनस L1 अपॉन C2 माइनस C1 इंटू सी माइनस सी वन। तो स्टूडेंट्स फाइनली कहने का मतलब हमारे पास कुछ पॉइंट्स गिवन होंगे सिंपली एल और सी के टर्म में हमें इक्वेशंस बतानी है। अब क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ इन एन एक्सपेरिमेंट एल इक्वल्स टू आपके पास गिवन हाउ मच 124.942 और सी की वैल्यू हमारे पास कितने गिवन है 20 और दूसरी एल की वैल्यू हमारे पास कितने गिवन है 125.134 और C की वैल्यू हमारे पास कितने की वैल्यू 110। तो एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C। अगर आप L की वैल्यू C के टर्म में निकालोगे तो हमारी इक्वेशन क्या होगी दिस वन L माइनस L1 इक्वल्स टू C2 L2 माइनस L1 अपॉन C2 माइनस C1 इनटू C माइनस C1। ओके वैल्यू ऑफ L इन टर्म्स ऑफ C वैल्यू ऑफ L इन टर्म्स ऑफ C इन टर्म्स ऑफ C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा L माइनस L1 इक्वल्स टू यहाँ पे स्लोप का रिलेशन क्या हो जाएगा L2 माइनस L1 अपॉन C2 माइनस C1 इनटू C माइनस C1। ओके तो स्टूडेंट्स L माइनस L1 की वैल्यू आपके पास कितनी की वैल्यू 124.942 इक्वल्स टू L2 माइनस L1 तो कितना हो जाएगा 125.134 माइनस L1 की वैल्यू हमारे पास कितनी की वैल्यू 124.942 अपॉन C2 माइनस C1। C2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 110 और C1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 20। C माइनस C1 की वैल्यू हमारे पास कितने गिवन है 20। ओके तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा इट बिकम्स L माइनस 124.942 इक्वल्स टू माइनस कीजिए 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 30 माइनस 4 कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 0 ना तो 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा 1 एंड दिस इज 124 माइनस 124 0 और अपॉन में ये कितना आ रहा है हमारा 90 एंड C माइनस 20। स्टूडेंट्स जब फाइनली आप L की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा 0.192 अपॉन 90 इनटू C माइनस 20। इस टर्म को इस साइड लेकर आएंगे तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी पॉजिटिव 124.942 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ L इन टर्म्स ऑफ C। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा The owner of a milk store finds that he can sell 980 liters of milk, 980 liters of milk at the rate of rupees 14 per liter, rupees 14 per liter. Okay. उसके बाद दूसरी information given है हमारे पास and 1220 liter of milk at the rate of rupees 16 per liter. Okay. अब assuming a linear relationship between selling price and demand, students देखो सुनो ध्यान से ये selling price है और ये हमारा demand है। okay question में क्या कह रहा है linear relationship है तो अभी linear relationship के लिए हमने क्या देखा था कि अगर x और y के बीच में linear relationship है तो y की value क्या होगी in terms of c होगी y equals to y minus y1 equals to m into x minus x1 होता है। okay तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कह रहा है इस क्वांटिटी ऑफ लीटर्स में और इस कॉस्ट में इस दोनों में हमारे पास क्या है लीनियर रिलेशनशिप है। देखो क्वेश्चन में एक बार साफ साफ गिवन है कि जो आपका सेलिंग प्राइस है ये सेलिंग प्राइस है हमारा और ये हमारा डिमांड है तो डिमांड और सेलिंग प्राइस दोनों में अगर लीनियर रिलेशनशिप है तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस विल बी द वैल्यू ऑफ वाई एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। तो फाइनली कहने का मतलब आपके पास दो कोऑर्डिनेट गिवन है क्या क्या x की वैल्यू हमारे पास 14 गिवन है x1 और y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 980 और दूसरा x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 16 और y2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1220। ये क्वेश्चन में गिवन है तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लीनियर रिलेशनशिप फाइंड करो और उसके बाद फिर क्वेश्चन में फाइनली कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट रुपीज 17 पर लीटर। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आपका फाइनली x की वैल्यू अगर रुपीज 17 हो जाए
पर लीटर, तो बताओ टोटल कितना मिल्क सेल कर सकता है वो। ये क्वेश्चन है आपका, तो बहुत आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर रिलेशनशिप क्या हो जाएगा हमारा, लीनियर रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा, अगर सिंपली एक्स और वाई के टर्म आप इसे इक्वेशन लिख सकते हो तो कितना हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ओके, दिस इज एक्स वन, दिस इज वाई वन, तो y माइनस 980 इक्वल्स टू m के प्लेस पे y2 माइनस y1 दैट इज 1220 माइनस 980 अपॉन x2 माइनस x1, तो 16 माइनस 14। ओके, और x माइनस x1, तो x1 और x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी की मैंने 14, तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा y माइनस 980, इट बिकम्स 0 माइनस 0 0, 12 माइनस 8 4, और 11 माइनस 2 कितना होगा, 11 माइनस 9 कितना होगा 2 अपॉन 16 माइनस 14 2 इंटू एक्स माइनस 14। ओके, तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस 980 इक्वल्स टू 2 के टेबल में 120 भेजा रहा है, तो 120 इंटू एक्स माइनस 14। तो स्टूडेंट्स वाई माइनस 980 क्वेश्चन में फाइनली क्या कह रहा है कि अगर आपका एक्स की वैल्यूज कितनी होगी, रुपीज 17 पर लीटर होगी। तो स्टूडेंट्स अगर मैं x के प्लेस में 17 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 120 इंटू 17 माइनस 14, ये हो जाएगा y माइनस 980 इक्वल टू 120 इंटू 17 माइनस 14 कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 12 3 सा 36 360 और प्लस 980, तो फाइनली y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 8 और 6 14, 3 और 1 4 और 9 कितना हो जाएगा 13, इतना लीटर मिल्क, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, 18th क्वेश्चन है हमारा, PAB इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस, शो दैट द इक्वेशंस ऑफ लाइन विल बी x / a + y / b = 2। लाइन की इक्वेशंस हमारी क्या हमें शो करनी है, x / a और + y / b = 2। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में कोई लाइन है जिसका मिड पॉइंट आपके पास ए और बी गिवन है। ओके, तो स्टूडेंट सपोज दिस पॉइंट इज एक्स वन कॉमा जीरो, बिकॉज अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस को होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है, एंड ऑल्सो सपोज दिस पॉइंट इज जीरो कॉमा वाई वन। ओके, और इस इक्वेशन का नेम मैं दे रहा हूं ए बी। तो स्टूडेंट्स इफ दिस पॉइंट इज सी, इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ध्यान से समझिए, अगर मैं कहूं इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो मिड पॉइंट का रिलेशन हमारे पास क्या होता है, जीरो प्लस एक्स वन अपॉन टू और जीरो प्लस वाई वन, जीरो प्लस एक्स वन अपॉन टू, जीरो प्लस वाई वन अपॉन टू, और इसकी वैल्यूज हमारे पास कितना की मैंने ए और बी। ओके, तो स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा आपका x1 अपॉन 2 और ये कितना हो जाएगा y1 अपॉन 2, और इसकी वैल्यूज हमारे पास क्या गिवन है, a कॉमा b। ध्यान से समझिए, ये भी कोऑर्डिनेट ना, तो x1 कोऑर्डिनेट x वाले कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, तो x1 अपॉन 2 इक्वल्स टू, यहां से x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2a, और अगर y1 अपॉन 2 इक्वल्स टू b लिया जाए तो क्या होगा, y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2b, और यही हमें चाहिए। स्टूडेंट्स एक्चुअली x1 की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है 2a और y1 की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है 2b, दिस इज योर x इंटरसेप्ट एंड दिस इज योर y इंटरसेप्ट। तो अगर x और y इंटरसेप्ट मालूम है तो इक्वेशन ऑफ ab क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन ऑफ ab क्या हो जाएगा, x अपॉन x1 और प्लस y अपॉन y1 इक्वल्स टू 1, यही तो होता है, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1, तो x अपॉन x1 के प्लेस में हमारी वैल्यू कितनी है 2a प्लस y अपॉन y1 के प्लेस में हमारी वैल्यू कितनी है 2b इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट्स इस दोनों पेयर में से अगर आप 1 अपॉन 2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x अपॉन a और प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। अब 1 अपॉन 2 को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनली एक्सप्रेशन विल बी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 2, 1 सा 2, और यही हमें शो करना था। ओके स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए,
क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि पॉइंट आर एच कॉमा के डिवाइड लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2। ध्यान से समझिए, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, और क्वेश्चन में कह रहा है इसके बीच में कोई लाइन है जो जिसका इंटरसेप्टिंग पॉइंट हमारे पास गिवन है क्या, आर एच कॉमा के, आर एच कॉमा के, और ये जो पॉइंट है इस पूरी लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रही है। ओके, सपोज दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट इज बी, तो अगर आप इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कॉमा सी, अगर मैं ए इसे एज्यूम करता हूँ एक्स इंटरसेप्ट को, और इसे अगर मैं बी एज्यूम करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 0, b, बिकॉज अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई एक्सिस पर होता है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइन, तो स्टूडेंट्स इस ए बी लाइन की इक्वेशंस हमें निकालनी है। अब इक्वेशंस निकालने के लिए वही दो बातें, रेशियोज गिवन है ना आपके पास, तो आपको देखो अगर इंटरसेप्ट का रिलेशन चाहिए तो ए इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यूज निकाल लो आसानी से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर पॉइंट्स का अगर आप रिलेशन अप्लाई करोगे तो क्या होगा, सपोज दिस इज एक्स वन, दिस इज वाई वन एंड दिस इज एक्स टू एंड दिस इज वाई टू, बिकॉज जब कभी भी इंटरसेप्टिंग पॉइंट गिवेन हो, रेशियोज गिवेन हो, तो हम क्या लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ आर, कोऑर्डिनेट ऑफ आर कितना हो जाएगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर आप एम के प्लेस पे वन पुट अप करोगे तो एक्स टू की वैल्यू कितनी आपके पास, 0, और अगर आप एन के प्लेस पे कितना पुट अप करोगे, 2, एक्स वन की वैल्यू कितनी आपके पास, a, और अपॉन 1+2। ओके, और m के प्लेस में कितना है, 1, और y2 की वैल्यू कितनी आपके पास, b, और प्लस n की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2, y1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 0, अपॉन 1+2। ओके, ध्यान दीजिए, और ये जो कोऑर्डिनेट है वो ऑलरेडी गिवन है हमारे पास h, k। ओके, तो क्या हो जाएगा, 1 × 0, 0 हो जाएगा, 2a अपॉन 3, और ये कितना हो जाएगा, b, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो, b अपॉन 3, और ये पूरी वैल्यूज हमारा किसके इक्वल है, h, k के। तो देखो सुनो, फाइनली हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें a की वैल्यू चाहिए, बिकॉज a इज द x इंटरसेप्ट। अगर x और y इंटरसेप्ट आ गया तो मैं बहुत आसानी से ए बी लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ। तो ये वाला टर्म इसके इक्वल होगा, क्या होगा, जब 2a/3 किसके इक्वल होगा, h के, और जब b/3 किसके इक्वल होगा, k के। तो यहां से अगर आप a की वैल्यूज निकालोगे तो 2a = क्या हो जाएगा, 3h, तो a = कितना हो जाएगा, 3h/2। ओके, और अगर आप यहां से b की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3k। तो इक्वेशंस ऑफ ab क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन ऑफ ab ये हो जाएगा आपका x/a + y/b = 1, बिकॉज हमारे पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट गिवन है और हम उसकी वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो a के प्लेस में कितना लिखेंगे, 3h/2, ये हो जाएगा x/3h/2, और प्लस y/b के प्लेस में कितना लिखेंगे हम, 3k = 1। स्टूडेंट्स ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x/3h और प्लस y/3k = 1। ध्यान दीजिए, अगर इस दोनों का एलसीएम लेंगे, 3k है, अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तो दोनों में कॉमन आ रहा है तो 3, और k × h क्या हो जाएगा, kh। जब 3h से इसमें डिवाइड होगे तो रिमेनिंग टर्म्स आर k ओनली ना, k को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2kx प्लस 3k से डिवाइड करेंगे तो h बच जाएगा, h को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, h ओनली hy = 1, यही तो होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 2kx + hy = 3kh। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है हमारा,
बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन शो दैट गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो स्टूडेंट्स आप ऐसा कर सकते हो, या तो आप ए बी की इक्वेशंस निकाल लो और ये शो कर दो सी पॉइंट्स इस स्ट्रेट लाइन पर है, या ए सी की इक्वेशंस निकाल लो ये शो कर दो बी पॉइंट्स इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा, या आप बी सी की इक्वेशंस निकाल लो ये शो कर दो कि ए पॉइंट्स इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा। तो सिंपल आप ए बी की इक्वेशन निकाल लो, तो इक्वेशन ऑफ ए बी कितना हो जाएगा जब दो पॉइंट्स गिवन होंगे हमारे, इक्वेशन ऑफ ए बी ये था हमारा y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m, m के प्लेस पे क्या होता था y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन और इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ओके तो दिस इज एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो कितना हो जाएगा y माइनस जीरो वाई टू माइनस वाई वन तो माइनस टू माइनस जीरो, माइनस टू माइनस जीरो एक्स टू माइनस एक्स वन तो माइनस टू माइनस थ्री, माइनस टू माइनस थ्री और x माइनस एक्स वन के प्लेस पे हमारे पास कितना गिवन है थ्री। ओके तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस टू अपॉन माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस थ्री, दिस एंड दिस कैंसिल तो कितना हो जाएगा फाइव वाई इक्वल्स टू टू इंटू एक्स माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा फाइव वाई इक्वल्स टू टू एक्स माइनस सिक्स। स्टूडेंट्स फाइव वाई को इस साइड लेके आओ तो कितना हो जाएगा टू एक्स माइनस फाइव वाई माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए बी। बट हमें क्या शो करना है जो C पॉइंट से वो भी इसी लाइन में लाई करना चाहिए ना, तो अगर आप चेक करोगे एट C तो X की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 8 और Y की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 2। स्टूडेंट्स इसमें पुट अप करने पर रिलेशन हमारा 0 आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एट माइनस फाइव इंटू टू माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, तो 2 एट सा 16 माइनस 5 टू सा 10 माइनस 16 तो ये कितना हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो, तो 16 माइनस 5 टू सा 2 एट सा 16 माइनस 10 माइनस 6 तो 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस 10 माइनस 6 माइनस 16 इक्वल्स टू जीरो, दैट इज जीरो इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब क्या है पॉइंट सी, पॉइंट सी सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ ए बी। ओके तो फ्रेंड्स एक लाइन के जितने भी पॉइंट्स होते हैं हर पॉइंट्स उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और अगर कोई पॉइंट्स उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब वो पॉइंट्स उस लाइन पर गिवन है आप कह सकते हो। तो आप क्या कह सकते हो हेंस हेंस पॉइंट ए पॉइंट बी एंड पॉइंट सी आर कोलिनियर। स्टूडेंट्स ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, कॉन्सेंट्रेशन से और अच्छे तरीके से आप इसके सॉल्व एग्जाम्पल को भी कीजिए, और अगर कोई डाउट्स आता है तो आप कमेंट करो, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगा, और जल्दी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। बाय।